तो दोस्तों हम सीख रहे हैं जर्नल एंट्री, जिसे क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। तो इसमें फर्स्ट दिया हुआ है, मिस्टर कुलकर्णी कमेंस बिजनेस विद कैश रुपीज 70,000। तो दोस्तों हम अब यहाँ पे पेज पे बनाने जा रहे हैं इसका फॉर्मेट। तो इसका फॉर्मेट हम बनाएंगे इस तरीके से, पहले बीच का हिस्सा ये हुआ और ये, और ये, तो ये फॉर्मेट हमारा बन गया। अब इसमें लिखेंगे फर्स्ट डेट पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा मिस्टर कुलकर्णी कमेंस बिजनेस विद कैश रुपीज 70,000। तो दोस्तों मैं आपको एक आसान सी ट्रिक बता रहा हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं कि मिस्टर कुलकर्णी कमेंस बिजनेस विद कैश रुपीज में, इसमें आपको देखना है कि बिजनेस में क्या आ रहा है। तो इसमें बिजनेस में मिस्टर कुलकर्णी आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मिस्टर कुलकर्णी अकाउंट डेबिट और जा क्या रहा है कैश। तो यहाँ पे लिख देंगे टू कैश अकाउंट क्रेडिट। तो बैलेंस कितना है, बैलेंस हमारा 70,000 लिख देंगे, 70,000 और क्रेडिट में 70,000। इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है बॉट गुड्स फ्रॉम संजय रुपीज 10,000। तो इसी तरीके से ही दूसरा क्वेश्चन भी करेंगे हम। अब यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड, तो आप देखें यहाँ पे कि संजय के पास गुड्स खरीदा। तो संजय के पास क्या आया, तो संजय के पास गुड्स आया। तो यहाँ पे संजय आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे संजय अकाउंट डेबिट और जा क्या आ रहा है, जा रहा है कैश। तो यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट क्रेडिट, बैलेंस 10,000 वैसे लिख देंगे 10,000, क्रेडिट 10,000। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं हम, परचेज फर्नीचर 5,000। तो इसी तरीके से भी करेंगे परचेज फर्नीचर, तो हमारे पास फर्नीचर आ रहा है और जा रहा है कैश। तो थर्ड फर्नीचर अकाउंट डेबिट, तो ये हमारे पास आया इसलिए डेबिट हुआ, और ये हमारे पास टू गया इसलिए इसे लिखेंगे टू कैश अकाउंट क्रेडिट, बैलेंस 5,000 लिख देंगे, 5,000 क्रेडिट डेबिट 5,000 क्रेडिट। और इसी तरीके से हम आप चौथा करेंगे, चौथा पेड रेंट 500। तो इसी तरीके से भी करेंगे कि हमारे पास आया रेंट और गया कैश। तो इसी तरह इसे भी करेंगे, फोर रेंट अकाउंट डेबिट, ये हमारे पास आया और गया कैश। तो टू कैश अकाउंट क्रेडिट, बैलेंस 500 लिख देंगे, 500 क्रेडिट का भी 500। अब इसी तरीके से इसी बेसिस से हम फिफ्थ भी करेंगे, पेड सैलरी 400। अब इसमें हमारे पास 200 क्या आ रहा है, इसमें हमारे पास सैलरी आ रहा है और जा क्या आ रहा है कैश। तो इसी तरह इसी भी करेंगे 5, तो सैलरी अकाउंट डेबिट, इसलिए हमारे पास आया और गया हमारे पास से क्या है, टू कैश अकाउंट क्रेडिट, बैलेंस 4,000। अब इसे हम क्लोज करेंगे, तो टोटल करेंगे 70,000 और 10,000 हुआ 80,000 और 500, 85,000 85 और 5
और 400 मिला के हो गया 80 फाइव 900 और इधर पे भी और यहाँ पे 70 और 10,000 कितना हुआ 80,000 और 85,000 और 500 और 400 कितना हुआ 85 तो 95 900 तो ये हमारा हो गया। इसी तरह मैं आपको 95 400 900 हुआ ना। चलो तो दोस्तों ये टोटल करने के बाद हमारा 85 आया और इधर पे भी 85 900 आया। ये मिस्टेक हो गई थी छोटी सी तो इसे हम सही कर देते हैं 85 900। तो दोस्तों इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा चैनल को बेल आइकन दबाएं और इसी तरह मेरा चैनल देखें और सब्सक्राइब